आप देख रहे हैं मैक्स टेक्निकल न्यूज़ यूट्यूब चैनल और मैं आपको आज बताने जा रहा हूं कि पैरोटेक वीसीबी के अंदर सेटिंग कैसे की जाती है ओवरलोड और अर्थिंग की। आइए देखते हैं। जी, सबसे पहले आपको अगर ये CSEN की जो नंबरिकल इलेक्ट्रिकल जो डिस्प्ले है इसके अंदर आपको ऐसा दिखाई दे लोड, तो आपको वो सेटिंग में कैसे जाएंगे? अगर आपको पता है तो ठीक है, अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको ये जो निशान दिखाई दे रहा है इसको आप दबाएंगे ना, तो आपको ये सेटिंग आएगी, रिले सेटिंग, कॉमन सेटिंग, कम्युनिकेशन सेटिंग और करंट सेटिंग। तो आपको जाना है और करंट सेटिंग में। और करंट सेटिंग में आप कैसे जाएंगे वो भी मैं आपको बता दूँ। राइट वाला जो बटन है ना इसको आप दबाएंगे ना, तो देखिए नीचे कॉमन सेटिंग में आ गई, फिर कम्युनिकेशन में, फिर दबाएंगे फिर और करंट सेटिंग में, इसको आप फिर नीचे वाले बटन से ओके दबाएं, आ गई फेस की सेटिंग। सबसे पहले ऊपर वाले फेस की सेटिंग है ये। अगर आपको लोड बढ़ाना है घटाना है आपको इसके ऊपर क्लिक करना होगा, फिर आपको ये दबाना होगा ओके वाला निशान। अगर आप ये अभी मैंने ये 232 पे सेट किया हुआ है, 58 चौके कितने होते हैं 232 जी, इस पर मैंने ये सेट किया हुआ है। और अगर आप इसको सेट करना चाहते हैं देख लीजिएगा, मैंने ओके कर दिया, राइट वाले बटन से ही बढ़ जाएंगे, देख सकते हैं 58 के 59 हो गए, 60 हो गए। 60 को 4 से गुणा करेंगे तो मल्टीपल तो 4 से ही करना है, 4 से अगर आप इसको गुणा करेंगे तो 4 6 24 240 हो गए, लेकिन मुझे इसको 232 ही रखना है, तो मैं इसको 58 पे छोड़ देता हूँ। फिर मैं इसको ओके कर देता हूँ, अब देख सकते हैं इसे जो नीचे वाला बटन है इसको आप दबाएंगे ना तो ओके हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, हो गया सेट। अब नीचे जाएंगे, टाइमिंग कितनी करनी है इसकी, टाइमिंग तो 0.010 जी हाँ, इससे ऊपर आप नहीं करनी है। अगर इससे ऊपर आप करेंगे ना तो ट्रिप नहीं होगी, टाइम ज़्यादा लगेगा तो आप फिर कोई फ़ायदा नहीं है सेट करने का। मैं आपको बता देता हूँ, देखिए इसको भी आप ऐसे ही बढ़ाएंगे राइट वाले निशान से, 15 हो गए, 15 सेकंड हो गए, 0.15 सेकंड नहीं 0.010 ही रखना है, ओके कर दीजिएगा, 0.010 ही रखना है, ठीक है। नीचे और ये और सेटिंग है, आपको ऐसे ही रखना है। इससे नीचे आपको करना है अर्थिंग, जी हाँ ये अर्थिंग सेटिंग है, ECHR अर्थिंग की जो नंबर है NIN V1.1.3 ये इसको ऐसे ही रखना है, ठीक है। नीचे वाले नीचे ले ही एली पे इसी निशान से नीचे आ गया ना, अब इसको ओके करना है, ओके करेंगे तो देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, वही बटन दबाना है ये वाला, जी हो गया। अब इसको बढ़ा सकते हैं ऐसे ही 20 चौके 80 एम्पियर हो गया, लेकिन मुझे कितना करना था 15 चौके 60, तो मुझे 15 ही करना है, ज़्यादा करूँगा ट्रिप नहीं होगी अर्थिंग लोड में। ये मैंने 0.15 15 चौके 60 मल्टीपल 4 से ही गुणा करना है इसको, तो मैंने इसको 60 एम्पियर पे ही करना है, और नीचे ये जो बटन है इसको सेव कर देना है, हो गया। अब नीचे आएंगे, बैक आएंगे, टाइमिंग तो वही रखना है इसका, इसमें टाइमिंग दिया हुआ है 0.02 सेकेंड, ठीक है इतना ही रखना है। वापस बैक आते हैं, इसकी और सेटिंग में देख लेता हूँ, कॉमन सेटिंग में क्या है, कॉमन सेटिंग ओके कीजिएगा, IP इसको आप चेक कर सकते हैं, ये जो सेटिंग है बिल्कुल एक्यूरेट है। अगर आपको नहीं पता है तो आप ऐसे देख के सेट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कम्युनिकेशन सेटिंग देख लेता हूँ मैं, देखो आपको दिखा रहा हूँ, इसको ऐसे ही करना है, फिर बैक आएंगे, ये और करंट है। अब सबसे पहले ये है कि न्यूट्रल डिस्प्ले, न्यूट्रल
न्यूट्रल डिस्प्ले, जो डिस्प्ले पर जो नंबर आते हैं ना अर्थिंग के, वो इसी वजह से आते हैं। इसको इनेबल रखना है, डिसेबल नहीं करना है। डिसेबल करोगे तो आपकी वीसी भी ट्रिप नहीं होगी अर्थिंग पे। बेका जी का उसके बाद में इसमें जो ऑप्शन है, काफ़ी ऑप्शन है, आपको नहीं पता है आप कुछ मत करिएगा। जो सेटिंग है वो सेव है पहले से ही, ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको। पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन भी दिया गया इसका। वैसे ट्रिप टेस्ट पे आप टेस्ट कर सकते हैं कि वीसीबीसी काम कर रही है कि नहीं कर रही है, वो हम आगे बताएंगे। अभी ब्लॉक चल रहा है तो ब्लॉक में हम ट्रिप नहीं करेंगे इसको। बैक आ जाइएगा, लोड चल रहा है 174 का, ज़्यादा से ज़्यादा 174-175, और बीच वाले में है 205, जी हाँ 204-205, और तीन नंबर फेस में है 158। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है, बिल्कुल फ्री टियर है, कोई पैसा नहीं लेगा। सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिएगा मैक्स टेक्निकल न्यूज़ चैनल को।